अस्सलाम वालेकुम माय ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है, बहुत देर पहले जहर की नमाज भी हो गई है, नाश्ता भी हो गया है और अभी माँ से सफाई करके गई है और अयान आया है स्कूल से। तो बस खाना नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने और अभी तैयारी है उसकी ट्यूशन जाने की। तो मैं देखती हूँ आयत भी उठ गई है, किचन साफ़ करना है और आज भी कल चहलुम की वजह से सारे हमारी तरफ के तो सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं तकरीबन। और आज इतना मसला हो रहा है कि आज उसके फ़ोन के भी सिग्नल नहीं आ रहे। तो बस देखते हैं अब दिन कैसा गुजरता है। साफ बहुत बुरा हाल है किचन का। तो भाई तो हो गया है किचन क्लीन और आज मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की है, यहाँ से सारा डब्बा वब्बा सब आटे का सब हटाया। और मैंने कहा इससे पहले लाइट चली जाएगी, 8 बज गए, मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के मैं बहुत देर में फारिग हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कीमा चढ़ा दूँ, कीमा चढ़ाया क्योंकि ऑलमोस्ट बढ़ने ही वाला है कीमा। दाल भी गल गई है, थोड़ा सा पानी खुश्क हो उसका। यहाँ इतने बन गई है चटनी, आज दोबारा से बनाई है। हालांकि मैंने उस दिन चटनी बनाई थी कि मैं कबाब बनाऊंगी, लेकिन वो चटनी ख़राब हो गई पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने कंटेनर में रखी हुई थी ढक के पूरा, लेकिन फिर भी ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों हो जाती है मेरी चटनी ख़राब। आप लोग बताइएगा चटनी को सेव करने का क्या तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता। एक से दिन दूसरे दिन चलती नहीं है मेरी चटनी, दो दिन रखी रही वो और जो है ना उसके बाद चली नहीं, फिर फेंक दी मैंने, आज दोबारा बनाई है। पता नहीं बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने चटनियाँ बना बना कर रखते हैं और जो है ना कि जैसे काम आ जाएंगी, लेकिन मेरी नहीं आती कभी, मुझे अलग से फ्रेश ही बनानी पड़ती है हमेशा। और ज़रा आयान के काम देखें, मैंने मंगवाई थी इससे दही और रोटियाँ, और आयान साहब क्या लेकर आए? गुलाब जामुन। खाने का दिल चाह रहा था या मेरे लिए लाया? आपके लिए। उठाओ एक, उठाओ मैं भी खाऊंगी। दो छोटी छोटी आई हैं, तीन छोटी छोटी आई हैं, तीन बड़ी बड़ी आई हैं। वाह भाई वाह, इसको पता है कि मुझे मीठा पसंद है और जो है ना इसको ये नहीं पता मैं डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। खा लेना मम्मी, क्या है? खा लूंगा। खा ले, उठाओ ये खाओ, मैं तो सारी थोड़ी ना खाऊंगी। आयान का किसी चीज का दिल चाहता है ना मुझसे, मतलब कोई भी सौदा कोई लेने के नहीं नीचे गया, इसका दिल चाहता है तो ये वो चीज लेकर आ जाता है, फिर मुझसे कहता है ये ले आपको पसंद है ना इसलिए लेकर आया। अभी इनको 5-10 मिनट फ्रिज में रखूंगी और फिर फ्राई करूंगी। और चटनी और रायता भी रेडी है, इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो बस इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, आधे घंटे में मैंने कीमा कबाब सब तैयार कर लिए हैं। इमरान जा चुके हैं, इमरान तो अभी आएंगे लौट के 1-1.5 बजे तक। तो हम लोग इतने फ्राई करके कबाब और खाना खा लेंगे क्योंकि हमें तो बहुत भूख लग रही है रोजाना की तरह। बस ये 9:30 बजते हैं, 9 बजते हैं और हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है, हम लोग इस टाइम खाना खा के फारिग हो जाते हैं बस।
कैसी लग रही है शक्ल? अच्छी है ना? कैसा बनाती हूँ खाना? अच्छा बनाती हूँ ना? सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। खैर खाते हैं अभी। आओ यहाँ, आयो आप खाओगे कबाब? ये तो कुछ भी पसंद नहीं करती मेरी बेटी। भाई आया साहिबा, अब हम बैठ के खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं। बस यहीं पर बैठे बैठे ही अब रात हो जाएगी, और कोई एक्टिविटी है ही नहीं आजकल, सिर्फ घर में ही होते हैं। तो आजकल हमारी कोई एक्टिविटी है ही नहीं, बस घर में ही होते हैं। और जब मैं घर में होती हूँ तो मैं बस कुछ भी नहीं करती, बालों में शायद ब्रश तक नहीं करती। सुबह से उठी जो कामों में लगी होती हूँ ना, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। फिर क्या ना, मैं ये बच्चों का स्कूल वगैरह, ये आयान का ये सब भी स्टार्ट हो गया, फिर वो खाना नाश्ता ये सारी चीज़ें ये सब भी चलती रहती हैं, कुछ हमारा भी। और आजकल जब मैं घर में होती हूँ तो बस घर की सफाइयाँ ये सारी। आयान एक प्लेट लेकर आ बेटा, खाओगी आप? आयत आयत आप खाओगी बेटा? आयत ने कुछ नहीं खाया। A few moments later. क्या लें भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे सिर्फ चाहिए गोला घंटा। ये रहा। तो गाइस वॉक करते करते हम लोग चले, वॉक तो नहीं खैर वैसे ही बस बाइक पे घूमते घूमते हम चले गए थे धोरा जी। वहां से चाट खाई, गोला गंडा खाया फजूल में, पेट तो हालांकि भरा हुआ था लेकिन बस गई थी तो मैं कुछ ना कुछ तो खाना ही था ना। तो बस वहां जो मैंने जो खाई वो कटोरी चाट A1 थी, बहुत मजेदार थी, इतनी मजे की थी, खट्टी और मुझे तो बहुत मजेदार लगी, और मैंने पहली बार खाई थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा धोरा जी की, बहुत अच्छी थी। गोला गंडा तो खैर है ही अच्छा, वहाँ का मैं खाती रहती हूँ। तो बस घर आई हूँ, घर आने के बाद सोने की तैयारी है, 2 बज गए तकरीबन। तो बस उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
दुआओं में याद रखिएगा। कल सुबह मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।